मैं बनाऊंगी मेथी आलू। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेंगे हमारे मेथी आलू बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा नाज़िम व्लॉग। गाइस कैसे हैं आप लोग, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ में आई हूँ न्यू रेसिपी लेकर। तो ये है मेरे मेथी आलू जो कि मैंने इसको नाइट में कट करके वॉश करके रख दिया था। फिर मॉर्निंग में मैंने इसे बॉयल किया, आलू कट किए, छोटे छोटे आलू हैं ये, मैंने एक में से टू डिवाइड किए हैं। तो इसको मैंने अच्छी तरह से बॉयल कर लिया था। उसके बाद में ये है मेरा लहसुन एंड हरी मिर्च, मैंने एक ही हरी मिर्च डाली है क्योंकि मेरी अमायरा भी इसको खाएगी, तो इसीलिए मैं हरी मिर्च अगर आपको ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, मतलब आप स्किप भी कर सकते हैं। एंड आप हरी मिर्च बाद में भी अपने रेसिपी के साथ में खा सकते हैं। और ये है मेरी हींग जो कि मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। एक तरफ मेरा ऑयल गर्म हो चुका है, गर्म होने ही वाला है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। अब हम इसको करेंगे फ्राई। ये बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी है और ये विंटर सीजन की रेसिपी है। ज़्यादातर हर घर में हर जगह आपको यही मिलेगा, काफ़ी साग भी मिलेंगे और मेरी तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। किस किस की मेथी आलू और ऑल साग फेवरेट है ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो अब ये हमारा ऑयल गर्म हो गया है एंड तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी अपना लहसुन। पहले 2 पिंच इसमें हींग डालूंगी, उसके बाद में अपना पीछे गाइस अवॉइड करना, वो जो आवाज़ें आती रहती है, कोई बेचने वाला है, अमरूद बेचने वाला है तो उसको अवॉइड करना गाइस प्लीज़। तो ओके, तो अब हम डालते हैं, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है तो अब हम डाल देंगे 2 पिंच हींग। तो हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम डाल देंगे इसमें हींग, गैस का फ्लेम स्लो करेंगे, डाल देंगे लहसुन और हल्का सा हम फ्राई करेंगे, हल्का सा ब्राउन हो जाए। इसके बाद में साग इसमें ऐड कर देंगे। तो मैंने इसको अपना डाल दिया है सब्जी, अब इसमें डाल देंगे हम सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, डालना कम या ज़्यादा। मैंने तो मैं सॉल्ट ऐड कर दिया है। इसमें आप रेड कुटी भी हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, बट मैंने डाल दी क्योंकि जबकि मैंने आपको बोला कि मेरी अमायरा इसे खाएगी। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालना। एंड ये बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, बहुत ही यम्मी लगती है, बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होती है। एंड गाइस अगर फर्स्ट टाइम कोई मेरी वीडियो पे है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर भी कर दें। एंड इसके मैंने छिलके नहीं उतारे थे, मैंने आलू को वॉश कर दिया था अच्छी तरीके से, कि आप देख पा रहे हैं। एंड मुझे साग काटना नहीं आता है गाइस, तो आप लोग बताना कि ये मैंने साग जहाँ से साग लेके आई थी मार्केट से, उन्हीं से ही मैंने, उनका से मशीन थी उनके पास काटने वाली, उन्हीं से ही मैंने कटवा ली थी। तो अब इसको हम अच्छी तरीके से भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे, हल्का सा ब्राउन कलर हल्का हल्का सा आ जाएगा, उसके बाद में हमारी मेथी आलू बनके रेडी है। ओके गाइस, तो हमारी मेथी आलू बनके रेडी है। ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया और जितनी देखने में अच्छी लग रही ना उतनी बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी बनी है। तो गाइस आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, बाय बाय।